नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस भाई नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये आपकी जीएस की जो प्रैक्टिस पेपर है यानी हम लोग जो अभ्यास टेस्ट कर रहे हैं उसका सातवीं क्लास है। कौन सी क्लास है? सातवीं क्लास है। इससे पहले जो टेस्ट हुए हैं वो सिक्स तक के हो चुके हैं। हमें उम्मीद है ये टेस्ट पेपर सिक्स तक आप लोग दे चुके हैं। आज की क्लास में 50 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, मेगा अस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से कौन से देश के हैं? नाम दिया गया पुर्तगाल के हैं, मिस्र के हैं, ग्रीस के हैं या फिर तुर्की के हैं। मित्रों, आपको मेगास्थनीज के बारे में बताना है। तो मेगास्थनीज आप जानते हैं सेलुकस निकेटर का राजदूत होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ये ग्रीस यानी यूनान का रहने वाला है, ग्रीस या फिर यूनान। तो सही जवाब जो आपका बनेगा वो बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर, लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। दो नंबर क्वेश्चंस है, पूछा गया अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा लेख है 11वां, 13वां, 12वां या फिर 14वां। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा वाला कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा वाला मिलता है मित्रों, जिसमें कलिंग विजय के बारे में लिखा गया होता है, वो आपका 13वां है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी? नाम दिया गया जहांगीर का, बाबर का, शाहजहां का और हुमायूं का। कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से? मित्रों, अकबर के पिताजी हैं, नाम होता है उनका हुमायूं। दीनपनाह भवन उन्होंने बनवाया था और उसी दीनपनाह नगर में पुस्तकालय बसाया। उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अकबर के पिताजी हैं, याद रखना, अकबर के फादर हैं और बाबर के पुत्र होते हैं, बाबर इनके फादर हैं। ठीक, चार नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ। पूछा गया प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? दिया गया हेमू हैं, अबुल फजल हैं, फैजी हैं या फिर बैरम खान। स्टार्टिंग की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं अकबर का राज्याभिषेक दो बार होता है, एक अमरकोट में होता है तो लगभग 1542 के आसपास होता है। उस टाइम अकबर 14 वर्ष का होता है तो उसके संरक्षक बैरम खां जी होते हैं। ठीक, इसी बैरम खां को आगे चल करके अकबर वजीर नियुक्त करेगा जिसे वकील कहा जाता है और खाने खाना की उपाधि भी दे देगा, खाने खाना। अगले क्वेश्चंस पे चलो। पाँच नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? नाम दिया गया बाबर लोधी और अकबर हेमू, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अकबर और लोधी। मित्रों, आपको दिया गया पानीपत का सेकंड युद्ध, पहला युद्ध नहीं पूछा जा रहा है, दूसरा युद्ध पूछा जा रहा है जो लगभग 1556 के आसपास पानीपत यानी हरियाणा वाले में लड़ा जाता है, तो हेमचंद के बीच होता है, हेमचंद विक्रमादित्य। अकबर और हेमू इसका सही जवाब होगा, सही जवाब बी के साथ लगाना। 5 नवंबर 1556 को लड़ा जाता है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध होता है अकबर हेमू के बीच, बी के साथ आंसर्स आप लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स होगा, इसी में जो है हेमू पराजित होगा। ठीक, अगले क्वेश्चंस पे आओ। छः नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? नाम दिया गया करजन थे, एलेगन सेकंड थे, मिंटो थे या फिर हार्डिंग थे। बंगाल विभाजन के दौरान भारत का आपसे पूछा जा रहा है कि जो है वायसराय कौन था, उस टाइम राजा कौन था, कहने का मतलब यह है कि भारत की देखरेख कौन कर रहा था। तो बंगाल विभाजन करजन के समय होता है, आप जानते हैं, तो सही जवाब इसका करजन के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सात नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बल्लोर विद्रोह कब हुआ? 1812 में हुआ, 1806 में हुआ या फिर 1800 में हुआ या फिर 1813 में हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ होता है, भारतीय सैनिक करेंगे, अच्छे से करेंगे विद्रोह, उस विद्रोह का जो नाम होगा मित्रों आप जानते हैं बल्लोर विद्रोह होता है। बल्लोर विद्रोह में बहुत कुछ काम होता है, आप देखना 1806 में विद्रोह होगा और तगड़े से होगा। ठीक, तो 1806 के साथ आंसर्स आपको लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, आठ नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे।
मित्रों, हमें लग रहा है आज पर्याप्त समय आपके पास है, बस आप मेहनत कर लें, लगातार प्रैक्टिस कर लें, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पेपर कोई बहुत दूर नहीं है वीडियो का। 8 नंबर क्वेश्चंस, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? दिया गया 8 मई 1857 को हुई, 10 मई 1857 को हुई, 11 मई 1857 को हुई, या फिर 9 मई 1857 को हुई। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब होती है? तो मित्रों, जो सैनिक विद्रोह स्टार्ट होता है वो 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी वी मावलंकर थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, एम अनंत स्वामी अयंगर रहे हैं, या फिर डॉक्टर पी बी चेरियान रहे हैं। आपको बताना है लोकसभा के पहले स्पीकर। मित्रों, आप जानते हैं जी वी मावलंकर बनाए जाते हैं, सही जवाब जी वी मावलंकर के साथ लगाओ। आप जानते हैं 15 मई 1952 में ये पहली बार बनते हैं और 27 फरवरी 1956 तक रहते हैं। तो 1956 तक इनका कार्यकाल रहा है। कब बने हैं? 1952 में बने थे। ठीक है, अपनी मृत्यु तक रहे हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस आएगा, आपसे पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चंस कि भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? नाम दिया गया जी एस ढिल्लन का, मीरा कुमार का, बलराम जाखड़ का, या फिर हुकुम सिंह का। मित्रों, कौन सा लोकसभा है उसका स्पीकर जो बना उसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा? चार चार नाम दिए गए, जिसमें आप जानते हैं कि आपका जो नाम होगा वो बलराम जाखड़ के साथ जाएगा। लगभग 80 में बनते हैं और ये लगभग 89 तक रहते हैं, 1989 तक रहते हैं। लगभग 9 साल इनका कार्यकाल रहा है। बाकी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। आप जानते हैं ओम बिड़ला जी इस टाइम अध्यक्ष हैं और ओम बिड़ला जी के निर्देशन में नए नए संसद भवन का भी शिलान्यास और लोकार्पण का काम कम्प्लीट हो चुका है। अब फाइनली नए संसद भवन में अगली सत्र बैठाई जाएगी। तो इसका सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण जो है सेवानिवृत्त होते हैं? नाम दिया गया 1/4, 1/3, 1/2, या फिर 1/5। मित्रों, आप जानते हैं राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और इस 6 वर्ष में 1/3 का निर्देशन दिया गया कि प्रत्येक 2 सालों पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहेंगे। इस टाइप से ये कभी ना भंग होने वाला सदन होता है। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। आप जानते हैं कि इसमें राष्ट्रपति टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत कर देता है, 12 सदस्य वो अप्रत्यक्ष रूप से भी मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 112 नंबर, अच्छा नाम 112 है मित्रों, प्रश्न तो 12 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? नाम दिया गया नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता, या फिर रिजर्व बैंक का गवर्नर। मित्रों, आप जानते हैं इसमें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिलता है विपक्ष के नेता को। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी पुकारा जाता है? नाम लक्षद्वीप का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, मालदीव और दमनदीव का भी दिया गया है। एमराल्ड द्वीप समूह की अगर बात करते हैं मित्रों, तो आप जानते हैं जो एमराल्ड द्वीप समूह है वो वहीं भी पाया जाता है जहाँ पे 572 द्वीप समूह टोटल पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं। 550 द्वीप आपका लगभग अंडमान में हो जाता है मित्रों, और जो आपका निकोबार वाला है इसमें आपके लगभग 22 द्वीप होते हैं। इस टाइप से 572 द्वीप होता है। इन्हीं द्वीपों को आप मिला दो तो एमराल्ड द्वीप भी हो जाता है। तो प्यार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर होता है, इसी को हम लोग एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। राजधानी कई बार छपा है पोर्ट ब्लेयर, याद रखना पोर्ट ब्लेयर। अगले क्वेश्चन पे चलें। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? दिया गया लिप्पू लेक, शिपकिला, नीति दर्रा, या फिर मुलिंगला। मित्रों, आप जानते हैं उत्तराखंड में कौन सा दर्रा यहाँ स्थित नहीं है? तो जो आपका शिपकिला दिया गया है, शिपकिला ये आपका HP में है, यानी हिमाचल प्रदेश में है। यही गलत है, बाकी सब कुछ सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से
किस भारतीय पर्वतीय चोटी का ऊंचाई सबसे कम है? चार ऑप्शंस दिया गया, कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट और मुकुट पर्वत। आपको बताना है इन्हीं चारों में से सबसे कम किसका है। आप जानते हैं मित्रों, जो मुकुट पर्वत दिया गया उसका सबसे कम यहाँ दिखाया गया है। मुकुट पर्वत की जो हाइट है लगभग 72-42 है, कितनी है 72-42। बाकी कॉमेट की आप जानते हैं, कॉमेट भी इससे ज़्यादा है, 77-56 के आसपास इसका है। नंदा देवी आप जानते हैं कि लगभग 78 के साथ 16 शब्द आएगा, और जो आपका कंचनजंगा होगा उसमें तो आप जानते हैं कि 85-98 के आसपास कंचनजंगा है। तो सबसे कम किसका हो गया, मुकुट पर्वत का हो गया। डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछ रहा है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार है, गोभी है, सहारा है या फिर मेजाम्बू। आपको बताना है सबसे गर्म वाला रेगिस्तान मित्रों कौन सा है। आप जानते हैं जो खूब लंबा चौड़ा होगा नाम सहारा होगा। सहारा जो आजकल बहुत सारे लोगों का सहारा लेकर के चला गया है। आप जानते हैं भारत में भी एक सहारा है। कूट से क्वेश्चंस पूछ लिया गया, आपको सुमेल करना है, सही सुमेल करके उसका आंसर्स देना है मित्रों। चार ऑप्शंस हैं, ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चंस होता है, इसे सॉल्व करने में अक्सर लोग कन्फ्यूज आ जाते हैं। आपको सूची एक सूची दो को आपस में मिलान करना है। आपसे मिलान करने को कह रहा है मित्रों कि सूची एक सूची दो को मिलाइए, एक साइड में देश है दूसरी साइड में राजधानी है। आप जानते हैं तंजानिया की जो राजधानी होगी डोडोमा होती है, तंजानिया डोडोमा के साथ जाएगा। केन्या नैरोबी एकदम सही मिला हुआ है। और जो आपका मोरक्को होता है मित्रों, मोरक्को आप जानते हैं रबात के साथ मिलेगा। तो सही जवाब डी का जो है वो पहला होगा। डी का पहला दो ऑप्शंस में आया है लेकिन एक का तीसरा एक में आया, तो डी का पहला यहाँ भी है यहाँ भी है लेकिन एक का तीसरा यहाँ है, इसलिए आपका सही जवाब जो बनेगा वो फर्स्ट के साथ जाएगा। ए के साथ आंसर्स मिला लो। बाकी नीबिया की जो राजधानी होगी वो बिंड हो एक हो जाएगी आपकी नीबिया की राजधानी। किसकी? नीबिया। अगले क्वेश्चन पे चले। आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस या कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? नाम दिया गया अल्जीरिया नहीं है, नाइजीरिया नहीं है, लीबिया नहीं है या फिर मिस्र नहीं है। कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं है मित्रों, आपको बताना है कौन सा देश ऐसा है। तो आप देखना, तो यहाँ पर आपको एक शब्द नाइजीरिया दिखाई रहा होगा, इसका संबंध सहारा से नहीं है। बाकी मिस्र देखो, मोरक्को तक आप जाएंगे, ट्यूनीशिया आएगा, सूडान आएगा, नाइजर आएगा, मेरितानिया आता है, लीबिया आता है, चाड आता है, अल्जीरिया आता है, इन सभी में जो है सहारा फैला हुआ है। 86 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, 86 लाख किलोमीटर स्क्वायर किसका? सहारा का एरिया है। अगले क्वेश्चन पे चले। 19 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, देश बंधु किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय हैं, चित्रनंदन दास हैं, विपिन चंद पाल हैं या फिर भगत सिंह हैं। देश बंधु की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं देश बंधु चित्रनंदन दास को कहा जाता है, और आपके जो पंजाब के केसरी होते हैं वो लाला लाजपत राय कहलाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलो। 20 नंबर क्वेश्चंस आ गया, आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवस्व व्यय का एक उदाहरण है? दिया गया फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीदारी, एक प्रिंटर की मरम्मत या फिर एक नई मशीन की स्थापना। आपको बताना है राजवस्व व्यय का उदाहरण है। एक राजवस्व व्यय का बढ़िया वाला जो उदाहरण माना जाता है मित्रों, एक प्रिंटिंग की मरम्मत ले आओ। सही जवाब सी के साथ बनाओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि अच्छे अच्छे कन्फ्यूज आ जाते हैं, याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति, मंदी, अवस्फीति या फिर उनमें से कोई नहीं। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं मित्रों कि जो घाटे की होती है उसमें आपका मुद्रास्फीति होता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 22 नंबर क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है? सारनाथ है, वृंदावन है, वाराणसी या फिर आगरा है। बांके बिहारी मंदिर आप जानते हैं जहाँ प्रेम मंदिर है। सही जवाब आपका वृंदावन होगा। सही जवाब आपका सी के साथ होगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे क्या पूछ रहा है? 23 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मित्रों कि उत्तर प्रदेश के डाडाडाट में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। नाम दिया गया कुशीनगर में उपदेश दिया, सारनाथ में दिया, संकिसा में दिया या फिर श्रावस्ती में दिया। कहाँ पर सबसे पहले उपदेश का बात आता है मित्रों? यूपी का सारनाथ है जहाँ पे सबसे पहले उपदेश देते हैं। सारनाथ आपका वाराणसी वाला बेल्ट होता है, आप जानते हैं ऋषिपत्नम, ठीक है, ऋषिपत्नम कई जगह आपको मिलेगा।
तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, 24 नंबर पे आओ। पूछा गया रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डाडाडाट शहर में स्थित है, लखनऊ में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में या फिर अलीगढ़ में। मित्रों आप जानते हैं जो रूमी दरवाज़ा होता है आपका, ये यूपी के लखनऊ में स्थित है। आप जानते हैं ये जो काम होता है ये तुर्किश गेटवे के नाम से भी जाना जाता है, और कई जगह आसिफुद्दौला। आप जाएंगे आपका जो इमामबाड़ा है मित्रों, इमामबाड़ा के पास आपको देखने को मिलेगा। 60 फीट ऊंचा आपका ये रूमी दरवाज़ा है, 60 फुट, ठीक, 60 फुट ऊंचा है रूमी दरवाज़ा। अगले क्वेश्चन पे आओ, 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है इखलास खां का रोजा, ये मकबरा है उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है। इखलास खां का रोजा नाम मेरठ का है, झांसी का है, सहारनपुर का और बदायूं का है। मित्रों इखलास खां का जो रोजा है ऐसा मकबरा कहाँ दिखाई देता है, ऐसा मकबरा अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको बदायूं जाना पड़ेगा, और बदायूं में इखलास खां की पत्नी के द्वारा इसे बनवाया गया था। सही जवाब बदायूं के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर। बनाओ मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलें, 26 नंबर है आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है उत्तर प्रदेश का किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर या पागल बाबा मंदिर मिलेगा आपको 10 मंजिला। नाम दिया गया वृंदावन में है, सारनाथ में है, वाराणसी में है, फिर चित्रकूट में है। 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मित्रों आप जाएंगे यूपी में, पर्यटन मंत्रालय बहुत काम करता है, 10 मंजिला मंदिर आपको देखने को मिलेगा वृंदावन में। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर। बनाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया, अशफाउद्दौला, साहिब जहाँ मिर्ज़ा, शुजाउद्दौला या फिर यामिनउद्दौला। मित्रों बड़ा इमामबाड़ा की बात हो इसको भी अशफाउद्दौला ही बनवाएगा। सही जवाब फर्स्ट साथ जाना, ए इज़ द राइट आंसर लगाना। देखेंगे आप लखनऊ बहुत फेमस फेमस जगह है, जैसे आपका विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया आपका, इसके साथ बना हुआ है आपका राज्यपाल भवन बना हुआ है, इमामबाड़ा बना है, रूमी गेट बना है, कैसरबाग बना है, रेजिडेंसी बना, घंटाघर हो गया, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, टीले वाली मस्जिद, बहुत कुछ देखने, हनुमान सेतु आपका, हनुमत धाम आपका, बहुत कुछ देखने को मिलता है। पासे में आपका चंडिका देवी मंदिर है, बहुत फेमस है, लखनऊ में ही सब मिलेंगे आपको। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन 28 नंबर है मित्रों। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया कहाँ स्थित है, झांसी में, अमृतसर में, मेरठ में या फिर इलाहाबाद में। बात यूपी की हो रही है तो जंगी आज़ादी पार्क जो है वो मेरठ में ही होगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डाटा संग्रहित करने और व्यवस्थित करने में हेर फेर के लिए किया जाता है। नाम दिया गया फायरफॉक्स, एक्सेल, आउटलुक या फिर पावर पॉइंट। मित्रों कौन सा कंप्यूटर है जिसका उपयोग डाटा संग्रहण करने की व्यवस्था के लिए हेर फेर के लिए किया जाता है। तो आप ऐसे कंप्यूटर के बारे में अगर पता करते हैं मित्रों तो एक्सेल पे आप ऐसा काम कर पाते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है। दिया गया माउस नहीं है, स्कैनर नहीं है, मुद्रक नहीं है या फिर मदरबोर्ड नहीं है। कौन सा ऐसा है जो परिधीय उपकरण नहीं होता है। आप देखना मित्रों जब आपको परिधीय उपकरण की बात होती है तो यहाँ पे आपको मदरबोर्ड कहीं नाम दिया गया होगा, इसका उपयोग इसमें नहीं होता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। चार ऑप्शंस दिए गए, कौन सा एक उपाय नहीं है ये आपको बताना है मित्रों। बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मित्रों, इसमें कहा गया उपाय नहीं है और आपको बताना है कि उपाय नहीं है, ऐसे व्यवस्था में आप कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। आपसे पूछा गया और ऐसी व्यवस्था में आपको बताना है कि कौन सा किसका उपाय नहीं हो सकता है। आपको सही जवाब देना था, एकदम राइट आंसर आपको मित्रों। अगर सही से देखा जाए तो आप इसमें बताएंगे कि जो प्रलेखा और पीडीएफ है इसका संचयन यानी फाइल्स बनाना इसका कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाओ। बाकी वायरस हैं आप देख सकते हैं। ठीक, पूछा गया मित्रों कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी जो सेकंड जनरेशन आती है ये किस दौरान देखी गई। नाम दिया गया 1940 से 56 के बीच, 57 से 62 के बीच, 63 से 72 के बीच या फिर 1973 से वर्तमान के बीच। सेकंड जनरेशन के दौरान देखी गई। आपसे पूछा जा रहा है सेकंड जनरेशन कब आता है,
आप जानते हैं मित्रों, ज़्यादातर मामले में आप देखना तो आपका 57 से 62 का जोड़ होता है, जो 57 से 62 का दौर है, इसी में सेकंड जनरेशन देखने को मिलेगा। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग खूब अच्छे से हुआ था, निर्वात ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर आने लगा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 133 नंबर क्वेश्चन, यानी 33 नंबर क्वेश्चन आपका जीएस का पूछा जा रहा है। डाटा डाट वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हो गया था। नाम दिया गया 40, 56, 63, 72, 57, 62 या फिर 1973 से वर्तमान पर्यंत। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कंप्यूटर आपके सिलेबस में दिया गया मित्रों, 63 से 72 का सन याद रखिएगा, इसमें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं, तो बी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 134 नंबर क्वेश्चन, यानी 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी लाइट माइक्रोस्कोपी किसके लिए तेल निमंजन का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी की अगर बात करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में विद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए होता है मित्रों, तो आप जानते हैं शक्ति बढ़ा दो, सही जवाब फर्स्ट साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपररूपिया, मायोपिया या फिर एस्टिगमैटिस्म की अगर बात करते हैं, तो मित्रों निकट दृष्टि दोष की आपसे बात होती है। नज़दीक वाला अगर आपको देखना है तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। कौन सा लेंस आपके लिए लगेगा? आप जानते हैं उत्तल लेंस आपको लगाना होगा। उत्तल, अरे नहीं यार, अवतल लेंस लगाओ। अवतल लेंस लगाओगे आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, इसे मायोपिया के नाम से जानते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाना, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार छपा है। जंग लगने पे लोहे का भार बढ़ता है, कोई परिवर्तित नहीं होता, घटता है या फिर परिवर्तित होता है? मित्रों बहुत सारे लोग परिवर्तित होता है लगाएंगे, लेकिन जो जंग लगने पर लोहे का भार होता है वो बढ़ जाता है। जैसे आएगा इसमें ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करेगा और फिर लोहा ऑक्साइड बनेंगे और फिर ये इसका भार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। परिवर्तित होना मत लगाना, सही जवाब बढ़ता है लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया पारद मिश्रण या फिर अमलगम कहलाने में किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? यह क्या चांदी होना चाहिए, निकेल होना चाहिए, कोबाल्ट होना चाहिए या फिर पारा होना चाहिए? पारद मिश्रण या फिर अमलगम कहलाने के लिए कौन सा मिश्र धातु साथ होना चाहिए? अगर मिश्र धातु की आप बात करते हैं मित्रों, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर चांदी, सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। 38 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस मुख्य रूप से डट होता है, गंधकाम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है या फिर एस्टिक अम्ल होता है? आपके पेट के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा सौर्य गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? नाम दिया गया केल्विन चक्र, कैलोरो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण या फिर डार्क रिएक्शन? गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स की रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, तो वो प्रकाश संश्लेषण में होगा, सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया नारंगी का फल प्रचुर स्रोत है, नारंगी का फल प्रचुर स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, वसा का या फिर विटामिन का? नारंगी का फल जो है वो प्रचुर स्रोत किसका है मित्रों? प्रचुर स्रोत की अगर बात होती है तो आप जानते हैं नारंगी में विटामिन ई भी होता है, विटामिन बी सिक्स भी होता है, विटामिन ए भी होता है, तो सही जवाब विटामिन के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है, यानी 41 नंबर जीएस है, पूछा गया जुलाई 2022 में किन दो राज्यों ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया? नामसाई घोषणा पत्र किसका है? असम मेघालय का है, असम पश्चिम बंगाल का है, असम अरुणाचल का है, फिर असम मिजोरम का है? मित्रों जिसके पास होगा, जिससे सीमा लगेगा वही है, तो सही जवाब बनेगा असम और अरुणाचल प्रदेश, सही जवाब सी के साथ बनेगा, याद रखना सही इज द राइट आंसर लगाना मित्रों, ठीक है। नामसाई 15 जुलाई 2022 को असम अरुणाचल प्रदेश 7 दशक पुराने सीमा विवाद को जो है निस्तारित कर लेते हैं, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। 42 नंबर क्वेश्चन भी आओ। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 15 अगस्त 2022 को कौन सी संस्था या संगठन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराते हैं? इसरो, स्पेस क्रिडनी इंडिया,
सॉरी स्पेस किड्स इंडिया या फिर DRDO या फिर भारतीय वायुसेना। मित्रों 30 किलोमीटर ऊपर जो है आसमान में भारतीय ध्वज फहरा दो, तिरंगा फहरा दो, तो सही जवाब होगा स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा ऐसा किया गया था। सही जवाब बी के साथ बनेगा, स्पेस किड्स इंडिया ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है 30 किलोमीटर ऊपर जो है भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। और जो स्पेस किड्स इंडिया का मुख्य योगदान होता है वो युवा वैज्ञानिक तैयार करना होता है, तो युवा वैज्ञानिक देना होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलो, 43 नंबर आ गया आपके स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है अगस्त 2022 में किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। नाम दिया गया मार्गरेट हालबवा, द्रौपदी मुर्मू, मुख्तार अब्बास नकवी या फिर जगदीप धनखड़। कौन है जो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेगा। पदभार ग्रहण की अगर बात करते हैं मित्रों तो मार्गरेट हालबवा हैं जो आपके क्या हैं चुनाव हारे थे, किससे हारे थे, आपके बंगाल के एक राज्यपाल थे उस टाइम, नाम होता है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ किसको हराते हैं मित्रों, तो मार्गरेट हालबवा को हराते हैं और 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। 13वें पे वेंकैया नायडू का नाम था। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, अगला क्वेश्चंस 44 नंबर है आपसे पूछा गया मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। पेरिस, दोहा, दुबई या फिर न्यूयॉर्क, आपको बताना है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं दुबई में आयोजित होता है। सही जवाब बी के साथ लगा। अगले क्वेश्चंस पे आओ, 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी TB संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है। CTB, LTB, STB या फिर MTB। नाम देना चाहिए मनसुख मंडाविया के अनुसार, तो जो नाम दिया गया मित्रों मनसुख मंडाविया के अकॉर्डिंग वो दिया गया CTB, तो सही जवाब CTB के साथ लगाओ। ए के साथ आंसर सही जो। अगले क्वेश्चन पे चलो, 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। यूपी परीक्षा मित्रों तो आंसर्स भी आपका यूपी ही बनेगा। सही जवाब स्वतंत्र देव सिंह के साथ मुख्तार अब्बास नकवी बैठे और काम हो गया। सही जवाब उत्तर प्रदेश बनेगा, उत्तर प्रदेश। रामपुर में देश का पहला, कहाँ पे, रामपुर। अरे रामपुर वही जो बहुत फेमस रहा है आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 47 नंबर क्वेश्चन है, राजा लाइब्रेरी भी रामपुर में है। 47 नंबर, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता। कर्नाटका ने, बंगाल ने, मुंबई ने या फिर मध्य प्रदेश ने। मित्रों आपसे पूछा गया रणजी ट्रॉफी का 21-22 का खिताब मध्य प्रदेश जीतेगा, मुंबई को हराएगा, मध्य प्रदेश जीतेगा रणजी ट्रॉफी का। ठीक है, और रणजी सत्र में सबसे ज़्यादा तो 982 रन बनाएंगे, मुंबई के एक बैटर होते हैं सरफराज खान नाम होता है, 982 रन वही बनाएंगे, उन्हीं को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 48 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा गया 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। जो है वो डॉक्टर श्रवण कुमार लिम्बाले को दिया गया, वासुदेव मोहे को दिया गया, रामदास मिश्र को दिया गया या फिर के शिवा रेड्डी को दिया गया। 31वां सरस्वती सम्मान पूछा जा रहा है मित्रों, आप जानते हैं मैं तो यहाँ हूँ जिसकी कविता होगी, नाम होगा रामदास मिश्र। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 49 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या फिर शीतोष्ण में। सर्वाधिक जैव विविधता आपको अगर दिखाई देनी है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको लगाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है गैस जो धान के खेतों में उत्सर्जित होती है भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। और आप जानते हैं मित्रों कि जो इसका सही जवाब होगा वो मीथेन के साथ जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर बैठेगा, तो सही जवाब डी के साथ लगाना। अब आपको ओवरऑल बताना है कितने क्वेश्चंस आपके इस टेस्ट पेपर 7 में सही गए हैं। सही बताना 50 में कितना आपका सही गया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।